डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ, चैप्टर थर्ड, हिस्ट्री। पिछले वीडियो में मैंने आपको द रेशियल यूटोपिया के बारे में बताया था। आज अपन है ना यूथ इन नाजी जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे कि हिटलर जो था वो फाइनेंशली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। वो देश के जवानों में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। फैंटिकली मतलब थी उसकी कि भाई फैंटिकली बहुत ज़्यादा है ना रुचि वो रखता था कि देश के जवान। और ये वो ये भी अनुभव करता था कि है ना स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी जो है, मजबूत नाजी सोसाइटी, वो कब स्थापित हो सकती है, जब है ना ये टीचिंग चिल्ड्रेन के है ना बच्चों को है ना पढ़ाने के लिए स्थापित किए जा सके। नाजी आइडियोलॉजी, नाजी का जो आदर्श है वो है ना बच्चे है ना उसके द्वारा सीख सकें और ये कंट्रोल उनके ऊपर नियंत्रण हो सके चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। मतलब स्कूल के अंदर है ना इनसाइड के रूप में और आउटसाइड है ना मतलब स्कूल से बाहर भी और स्कूल के अंदर भी है ना उसके ऊपर है ना कंट्रोल है ना मिल सके। तो इसलिए उसने ये स्कूलों के अंदर भी नाजिम को ने चलाया, नाजीवाद को। सारे स्कूल्स जो है ना वो क्लींस्ड कर दिए गए, प्योरीफाइड कर दिए गए, शुद्ध कर दिए गए, साफ कर दिए गए। और जो टीचर्स थे वो के जो ज्यूज थे या जो पॉलिटिकली जो अनरेलिएबल थे उनको डिसमिस कर दिया गया। मतलब जितने भी यहूदी है ना जो ज्यूज थे उनको है ना हटा दिया गया उन टीचर्स को, और जो पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से जो अनरिलायबल लोग थे उनको भी है ना डिसमिस कर दिया गया था। बच्चों को है ना सेग्रेटेड जर्मन्स, केवल है ना बच्चों को है ना सबसे पहले है ना जर्मन वासी होने के लिए ना बाध्य किया गया। और ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर, क्योंकि यहूदियों को है ना उनके साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी और उनके साथ खेलने की इजाज़त नहीं थी। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन, और ऐसे जो अनिच्छुक बच्चे थे ज्यूज के, फिजिकली हैंडीकैप्ड या शारीरिक रूप से विकलांग थे, जिप्सीज थे, उनको थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल, स्कूलों से यानी बाहर फेंक दिया गया। और फाइनली 1940s के अंदर देवर टेकन टू गैस चैम्बर्स, और उनको है ना गैस चैम्बर में डाल दिया गया। गुड जर्मन, अच्छा जर्मन के लिए चिल्ड्रेन वर सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ द नाजी स्कूलिंग। इस प्रकार है ना बच्चों को नाजी स्कूलों के अंदर पहुंचा दिया गया। ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, और उनको एक आदर्श की प्रशिक्षण का है ना काल उनके लिए निर्धारित कर दिया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक, स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी उनको दोबारा से लिखा गया। रेशियल साइंस बाज इंट्रोड्यूस टू द जस्टिफाइड नाजी आइडिया, और रेशियल साइंस का भी है ना जो जातीय विज्ञान के रूप में है ना उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, परिचय दिया गया, और जिसके नाजी विचारों को है ना जस्टिफाइड न्यायोचित ठहराया गया। स्टीरियोटाइप्स ज्यूज थे उनको है ना पॉपुलराइज्ड, उनको है ना पॉपुलराइज्ड किया गया, उनके बारे में बताया गया थ्रू मैथ्स क्लासेस, और है ना मैथ्स की क्लासेजों के द्वारा। चिल्ड्रेन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, और बच्चों को है ना वफादार होने के लिए उनको सिखाया गया। हेट यूज, यहूदियों से घृणा करना सिखाया गया। एंड वर्शिप हिटलर, और हिटलर की पूजा करने के लिए ना सिखाया गया। इवन द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स, और जितने भी स्पोर्ट्स होते थे उनके कार्यक्रम, वो टू नेचर स्पिरिट ऑफ वॉयलेंस, उनके अंदर हिंसा की है ना एक हिंसा की आत्मा बोले या हिंसा की है ना एक इच्छा के रूप में है ना उसको नर्चर किया गया, उसके मतलब हिंसा को फैलाने की है ना कोशिश की गई। एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रेन, और है ना इस प्रकार है ना बच्चों के बीच में है ना राजीनामा करवाया गया। हिटलर बिलीव्ड, क्योंकि हिटलर ये विश्वास करता था कि बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रेन आयरन हार्टेड, क्योंकि जो बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग की जो कला है अर्थात मुक्केबाजी की, वो बच्चों को हार्टेड, आयरन हार्टेड मतलब लोहे के दिल वाला है ना बनाएगी, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलेन, और है ना इससे वो मजबूत और है ना उनके जो मस्कुलेन मतलब उनके है ना
शरीर है ना मजबूत बनेगा। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल, और है ना जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी वो इस बात के लिए जिम्मेदार रहेंगी फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ, के है ना जर्मन जो जवान है युवक है उनके लिए को शिक्षित करने के लिए, स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म और उनके अंदर है ना राष्ट्रीय समाजवाद की भावना को है ना जगाने के लिए। 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल का जो बच्चा है वो जंग वॉल्क, ये नाजी यूथ ग्रुप था, ये नाजी बाद का है ना ये जवानों का ग्रुप था जो बच्चों के लिए, जिसके अंदर है 14 वर्ष से कम के बच्चों को है ना इस ग्रुप में सम्मिलित किया जाता था। और यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हिटलर यूथ बोला जाता था, जहाँ ये बच्चे वर्षिप वार युद्ध की पूजा करने का सीखते थे, मतलब युद्ध के बारे में सीखते थे, ग्लोरीफाई एग्रीसन और सहमति की शान को समझते थे, एंड वॉयलेंस और हिंसा के बारे में जानते थे। कंडम्ड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को घृणा करते थे, एंड हेट ज्यूज और यहूदियों को घृणा करना इसमें सिखाया जाता था। कम्युनिस्ट से हैं, जिप्सीज हैं, एंड ऑल दोज कैटेगराइज्ड अनडिजायरेबल, ये सारे जो थे इनके साथ है ना घृणा की जाती थी, ऐसा इनको सिखाया जाता था। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल और एक कठोर आदर्शवाद की अवधि के बाद, फिजिकल ट्रेनिंग और एक मजबूती की जो प्रशिक्षण के बाद, दे ज्वाइन द लेबर सर्विस, उन्हें फिर है ना लेबर सर्विस के अंदर है ना ज्वाइन किया जाता था, यूजली एट द एज ऑफ 18, जब वो 18 वर्ष के हो जाते थे। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज, और इस प्रकार वो सशस्त्र सेना के अंदर है ना सेवा करने के लिए तैयार हो जाते थे, एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और इस प्रकार वो नाजी संस्था के अंदर प्रवेश पा जाते थे। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज, और नाजीज की जो यूथ लीग थी इसकी स्थापना ना 1922 के अंदर की गई थी, 4 ईयर्स लेटर, और 4 साल के बाद में इट वॉज रिनेम्ड हिटलर यूथ, और इसको है ना बाद में हिटलर का नाम दिया गया था, हिटलर यूथ के नाम से पुकारा गया था। यूनिफाई द यूथ मूवमेंट, और इस प्रकार से इसे यूथ आंदोलन को अंडर नाजी कंट्रोल, नाजी के नियंत्रण के अंदर रखा गया। ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और भी जो जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं थी, बस सिस्टमेटिकली डिजॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड, उनको है ना सिस्टमेटिकली है ना डिजॉल्व भंग कर दिया गया था और फाइनली बैंड उनके ऊपर है ना बैन लगा दिया गया था। अब आता है द नाजी कट ऑफ द मदर रोड, नाजी कल्ट जो मदर रोड मातृभूमि के लिए जो नाजी कल्ट था उसमें देखिए, चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी के अंदर जो बच्चे थे बर रिपीटेडली टोल्ड, उनको बार बार ये सिखाया जाता था, बताया जाता था कि दैट वीमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन, कि औरतें जो हैं वो आदमियों से है ना पूर्णतः भिन्न होती हैं। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन, और आदमियों के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ना, एंड वीमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर, और औरतें जो कि है ना प्रति हर जगह पर इस लोकतांत्रिक संघर्ष के भाग के लिए इन्हें ये बनी थी, बाज रॉन्ग, वो गलत थी, एंड इट वुड डेस्ट्रॉय सोसाइटी, और ये समाज को नष्ट कर देंगी, ऐसी इनकी विचारधारा थी। वाइल बॉयज वर टॉट टू बी एन एग्रेसिव, जबकि लड़कों को है ना एग्रेसिव होना सिखाया जाता था, मास्कुलाइन मजबूत होना सिखाया जाता था, मांसपेशियों को ना अच्छी तरह से बढ़ाना, एंड स्टील हार्टेड और है ना स्टील के हृदय वाला है ना बनना सिखाया जाता था। गर्ल्स वर टोल्ड दैट, और लड़कियों को ये बताया जाता था कि दे हैड टू बिकम गुड मदर्स, कि केवल वो तो है ना अच्छी माँ बनने के है ना योग्य हैं, एंड रियल प्योर ब्लडेड, और है ना शुद्ध खून को है ना पालन पोषण करने के लिए हैं। आर्यन चिल्ड्रेन, आर्यन बच्चे, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, और जो गर्ल्स हैं वो जाति की शुद्धता को मेंटेन करने के लिए हैं। डिस्टेंस themselves from Jews, और यहूदियों के साथ ये जो दूरी है, look after the home, जो उन अपने घर की देखभाल के लिए है, and reach their children Nazi values, और अपने बच्चों को है ना टीच कर बच्चों को नाजी के मूल्यों के बारे में सिखाने के लिए। दे हैड टू बी द बियरस ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, और वो केवल है ना आर्यन संस्कृति को और जाति को धारण करने के लिए योग्य हैं। 1933 के अंदर हिटलर ने कहा था
कि इन माई स्टेट, के मेरे राज्य में या मेरे देश में द मदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन, एक माँ जो है वो महत्वपूर्ण नागरिक है। बट इन द नाजी जर्मनी, लेकिन नाजी जर्मनी के अंदर ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, सारी माओ को है समान रूप से व्यवहार में नहीं लाया जाता था। वीमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन, और वो बच्चे वो औरतें जिनको है जातीय अनिच्छुक बच्चे बर मतलब गैर जाति के बच्चों को जन्म देती थी, बर पनिश्ड, उनको है पनिश किया जाता था, दंडित किया जाता था। एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियल डिजायरेबल, और वो महिलाएँ जो कि ना एक जातीय डिजायरेबल चिल्ड्रेन को ना जन्म देती थी, बर अवार्डेड, उनको इनाम दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था हॉस्पिटल्स के अंदर। एंड वर आल्सो एंटाइटल टू द कंसेशंस इन शॉप्स, और दुकानों में उनको रियायत भी मिलती थी। एंड ऑन थिएटर टिकट्स, थिएटर टिकट्स जो होती थी उनमें भी उनको रियायत मिलती थी। एंड रेलवे फेयर्स, और रेलवे फेयर्स के अंदर भी। टू एनकरेज वीमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रेन, और औरतों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से बच्चे है ना प्रोड्यूस करने के लिए ऑनर क्रॉसेस वर अवार्डेड, उनको है ना सम्मान दिया जाता था। ए ब्रॉन्ज क्रॉस, एक प्रकार का कांसे का जो क्रॉस है, वाज गिवन फॉर फोर चिल्ड्रेन, चार बच्चों के की माँ को है ना दिया जाता था। सिल्वर फॉर सिक्स, और चांदी का जो है ना छः माँ को दिया जाता था। एंड गोल्ड फॉर एट और मोर, और सोने का है ना आठ से ज़्यादा जो बच्चे है ना जन्म देती थी उनको है ना आठ या उससे अधिक गोल्ड के सिक्के दिए जाते थे। ऑल आर्यन वीमेन, और सारी जो आर्यन वीमेन थी हु डेरिवेटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ द कंडक्ट वर पब्लिसली कंडम्ड, और है ना जो इस प्रकार के कोड को डिवाइडेड करती थी उनको है ना कंडम, उनका बहिष्कार किया जाता था। एंड सेवरली पनिश्ड, और उनको है ना कई बार है ना दंडित भी किया जाता था। दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद यूज, और वो औरतें जो कि है ना यहूदियों के साथ कॉन्टैक्ट बना रखती थी, जूज है, पोल्स हैं, रशियंस हैं, बर परेडेड थ्रू द टाउन्स, उनको कस्बों से बाहर फेंक दिया जाता था। विद शेव्ड हेड्स, या उनके सिरों को कलम कर दिया जाता था। ब्लैंक्ड फेस्ड, या उनके चेहरों को काला कर दिया जाता था। एंड प्ले कार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स, या उनके गर्दन पर है ना प्ले कार्ड्स से ना लटका दिए जाते थे, अनाउंसिंग, इस बात को बताते हुए कि आई हैव फील्ड द ऑनर ऑफ द नेशन, कि मैंने राष्ट्र के सम्मान में के लिए सम्मान को चोट पहुंचाई है। मैंने रिसीव्ड जेल सेंटेंसेज, और बहुत सारे है ना जेल सेंटेंसेज में भेजा जाता था। एंड लॉस्ट सिविक ऑनर, और उनका है ना जो सिविक्स ऑनर है वो भी छीन लिया जाता था। एज वेल देयर हस्बैंड्स, उनके पति के द्वारा। एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस, इस आपराधिक जो ऑफेंस को करने के बाद में।